you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udaan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udaan, a flight of life. Happy listening! स्वागत है आपका रेडियो उड़ान में और मैं आ गई हूँ आपकी रिव्यू क्वीन आज सोनाक्षी आपके साथ गपशप करने। और आज का भी मतलब एक न्यूज़ टाइप बन गया है। शुरुआत हमारी होती है कोविड से कि कोविड के केसेस कितने एक्सट्रीमली बढ़ रहे हैं और ये डरने की बात है, बिल्कुल है। और ये मेरा निवेदन है आप सब के लिए कि आप सब प्लीज़ मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और ट्रैवल अवॉइड करें। और वैसे भी बहुत सारे स्टेट्स में लग चुका है लॉकडाउन। वैसे मैं हूँ सिटी ऑफ ताज आगरा से और उत्तर प्रदेश की हालत भी बहुत ख़राब है। इस वजह से हमारे सीएम ने लगा दिया है लॉकडाउन संडे टू संडे और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था पहले भी और अभी भी वही चल रहा है। बट हमें खुद से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिना ये चिंता किए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है या हमारे को उनको हमारे लिए क्या क्या करना चाहिए था। बहुत सारे लूपहोल्स हैं इस वक्त, बेड्स की बहुत कमी है, बहुत सारे मेरे नोन लोग हैं जिनको मेडिसिन नहीं मिल पा रहे हैं, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए जितना हो सके, बार बार हाथ धोइए, सिर्फ तभी बाहर निकलिए घर से जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अदरवाइज मत निकलिए। घर पर अगर आपके कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके सामने आप मास्क ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पर कि आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। ये बहुत 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 बार सब आपको बता चुके हैं और आप बहुत टाइम से कर भी रहे हैं, बट इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल होती जा रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, बट हम इसको पक्का से फाइट कर लेंगे अगर हम अपने एंड से जो कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स वो करें। ज़रूरी भी है यार, करना चाहिए। चलो एनीवे, ये तो थी मेरी ज्ञान की बात जो शायद अब कंपलसरी टाइप हो गई है कोविड के बारे में बात करना। बट इसके बाद हम बात किया जाए इस लॉकडाउन में क्या किया जाए इस पर बात कर लेते हैं। तो मैं इस बार लाई हूँ अपना एक और फेवरेट शो जिसको आप एक्चुअल में देख सकते हैं एक आध घंटे के लिए। मींस ये शो है अब है, ये कुणाल खेमू है इसमें मेनली। एक्चुअली इस सीरीज़ में, ये एक वेब सीरीज़ है और इस सीरीज़ के 2 सीजन्स आ चुके हैं। ये काफ़ी पुराना सीज़न है और ये काफ़ी पुराना वेब सीरीज़ है और इसमें 2 सीजन्स हैं। इसके फर्स्ट सीजन में करीबन 8 एपिसोड हैं और सेकेंड में भी 8 से 9 एपिसोड हैं और 40-45 से 55 मिनट का पर एपिसोड है। तो इससे इस सीरीज़ में क्या होता है कि कुणाल खेमू एक स्पेशल कॉप है और उसके पास बहुत सारे केसेस आते हैं और वो कितने स्मार्टली उसको हैंडल करता है, कैसे सॉल्व करता है, यही इस सीरीज़ के बारे में है। बट इस सीरीज़ का एक प्लस पॉइंट ये है कि इस सीरीज़ के जितने भी एपिसोड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। क्या होता है कि जैसे इसमें अगर 8 एपिसोड हैं तो इसमें 8 अलग अलग स्टोरीज़ हैं। जैसे हम क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया नहीं देखते, कुछ कुछ वैसा ही। बट इसमें जो कुणाल खेमू हैं उसका बहुत ही अच्छा उन्होंने कैरेक्टर निभाया है, उन पर ये बहुत अच्छा कैरेक्टर लग रहा है कॉप्स का। वो भी स्पेशल कॉप्स में उनको रखा गया है और वो बड़ा ही अच्छा किरदार निभा रहे हैं और उनके हर एपिसोड में बड़ा अच्छा सा क्लाइमेक्स है। एक थ्रिल बेस्ड, एक क्राइम बेस्ड शो है ये। इसमें क्या है कि एक तो स्टोरी चल रही है अपना जो क्राइम बेस्ड जो भी स्टोरी है और एक वो केसेस चलते हैं और सेकेंड कुणाल खेमू की अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी चलती है। अगर आप चाहते हैं कि उस स्टोरी से आप थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको इस कहानी को अंत तक देखने में मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि हर क्राइम बेस्ड जो स्टोरी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आप गेस नहीं कर पाते कि इसका क्लाइमेक्स क्या होने वाला है या वो कैसे उसको पकड़ेगा, क्या होगा। तो बड़ा ही थ्रिल बेस्ड शो मुझे लगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपके पास थोड़ा सा समय है बस कुछ देखने के लिए या अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ देखें और तो आप Z5 पर अभय देख सकते हैं। आपके पास एक घंटा है, आप एक एपिसोड देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा मज़ा आ रहा है तो आप ऐसे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि अरे मैंने तो पहला एपिसोड 2 दिन पहले देखा था, मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एपिसोड बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप थ्रिल बेस्ड कुछ देखना चाहते हैं और आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो आप अभय देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी तो मेरा ये सिलसिला बस शुरू ही हुआ है, बट अभी कुछ गानों के बाद मैं वापस आती हूँ अपने नेक्स्ट व्यू के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। दादी बोलती है तो दुनिया में सबसे अलग है। तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं कि तू क्या चीज है। ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे। तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए, खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें हैं करनी तो नजर झुका के करे। ओए सूरज से भी कह दो अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो नजर झुका के करे, मोहब्बत जानी की पूरी ख्वाहिश की जाए, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। वक्त लगता है रब के घर में आने में कितना वक्त लगता है, देखा उसे तो ये मालूम हुआ कि जन्नत को पाने में कितना वक्त लगता है, ये जमाना जाने ना क्या कर सकती है, ओ यार मेरे की नजर है दरिया डुबा सकती है, उसका बस चले तो सारा दरिया पी जाए, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए।
ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते। A unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, तो सुनना ना भूले हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। For latest videos of Radio Udaan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. तो अभी मैं वापस आ गई हूँ अपने next review को लेकर, जो है अजीब दास्तान पर। ये अभी Netflix पर 16 अप्रैल को रिलीज हुई है।
तो मतलब ये अभी ऑन स्ट्रीम है, तो अभी आप जाइए और देख सकते हैं ये वेब सीरीज़, मतलब ये एक्चुअली मूवीज़ है, वेब सीरीज़ तो नहीं है। तो ये एक मूवी है, ये एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें चार स्टोरीज़ हैं और ये मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप इसे, मल्टी लैंग्वेज है तो आप इसे तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो इसमें चार स्टोरीज़ हैं, चार डायरेक्टर हैं, बट इसको प्रोड्यूस किया है करण जौहर और नेटफ्लिक्स ने। और इस स्टोरी में भी जो इनकी चार स्टोरीज़ हैं, ये आप मूवीज़ पहले भी देख चुके होंगे, जैसे लूडो है, गोस्ट स्टोरी, लास्ट स्टोरी है, सब ऑलमोस्ट आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी। और इसमें भी मल्टीपल स्टोरीज़ हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, कुछ जगह पर कनेक्टेड भी नहीं है, बट स्टोरीज़ इंडिविजुअल चल रही हैं। और जैसे हम कहानियाँ सुनते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरी कहानी, फिर तीसरी कहानी, फिर चौथी कहानी, ऐसे ही एक ये एंथोलॉजी मूवी बनाई गई है। तो इसकी जो पहली स्टोरी है वो है मंजू, जिसे शशांक केतियान ने डायरेक्ट किया। तो जो मंजू स्टोरी है, इसमें है जो मेनली कैरेक्टर्स हैं वो हैं फातिमा सना और जयदीप अलहौत। ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं अब। और इनकी स्टोरी है, इसमें है कि जो जयदीप हैं वो गे हैं और उनके फादर को पता चल जाता है इस बात का, तो वो फातिमा से, जो एमएलए की बेटी हैं, ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। और फर्स्ट नाइट पे ही जयदीप बता देते हैं कि वो ये शादी को शारीरिक नहीं बना सकते क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं। तो इस वजह से फातिमा उस जो कोठी में रहती हैं, इतनी बड़ी आलिशान कोठी में, तो वहाँ पर जो भी मर्द आता है वो उसके साथ फ्लर्ट करती हैं। और जो आप उम्मीद कर सकते हैं करण जौहर की मूवी के साथ, या फिर आप उम्मीद कर सकते हैं बॉलीवुड में, तो बस वही ये स्टोरी है। इसका क्लाइमेक्स मैं नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये एक स्टोरी है जो इस पर बेस्ड है, मंजू। फिर सेकंड स्टोरी है खिलौना, जिसमें मेनली है नुसरत बलूचा और एक छोटी सी बच्ची जो आपको लूडो में भी देखने को मिली थी, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और इस स्टोरी का बेस्ड है कि जो नुसरत हैं वो एक मेड का किरदार निभा रही हैं और उनको जो हाई फैमिलीज़ होती हैं, जो हाई स्टैंडर्ड फैमिलीज़ हैं, जो रिच फैमिलीज़ हैं, उनके साथ बहुत ही द्वेष भावना रहती है कि उनके पास इतना बहुत कुछ है और मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। तो बस यही एक बेस्ड मूवी है कि वो कैसे चोरियां करती है, कैसे अपनी बहन के लिए अच्छा करने की कोशिश करती है, और इसी बीच नुसरत के साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसकी बहन ये देख लेती है। उसके बाद उसकी बहन क्या स्टेप लेती है, बस यही है ये मूवी में, ये जो छोटी सी कहानी है उसमें। इसका भी क्लाइमैक्स आपको देखना पड़ेगा नेटफ्लिक्स पर, क्योंकि मैं इसका बिल्कुल भी मजाक किरकिरा नहीं करने वाली कि इसमें क्या एंड में होता है, आप देखिएगा। फिर जो तीसरी स्टोरी है वो है गीली पुच्ची रहे हैं। तो इसमें जो स्टोरी है ये है आपकी आदिति राव हैदरी की और कोंकणा सेन शर्मा की। इसमें दिखाया है कि ऊंची जात और नीची जात का जो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में, स्टिल वही इसमें दिखाया गया है। इसमें दो फीमेल हैं, इसमें है कि जो कोंकणा सेन शर्मा हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही होनहार हैं, और अकेली औरत हैं जो पूरी फैक्ट्री, मतलब पूरी फैक्ट्री में अकेली औरत हैं, बाकी सारे मर्द ही हैं उनकी फैक्ट्री में। बट उसके बाद भी इनको वो तवज्जो नहीं दी जाती इनके अकलमंद होने के बाद भी, बस क्योंकि ये एक लो कास्ट बैकग्राउंड से आती हैं, बस इसलिए इनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और इसी के साथ अदिति राव हैदरी को वो नौकरी दे दी जाती है जो कोंकणा सेन डिज़र्व करती थी। बट अदिति राव हैदरी एक डम लड़की दिखाई है, वो इतनी होशियार नहीं है, उनको कुछ काम नहीं आता, पर उनको काम इस बेसिस पे मिल जाता है क्योंकि वो एक अपर कास्ट की फीमेल है। सिर्फ यही इसमें दिखाया है, इसमें भी लेस्बियन दिखाया है इन दोनों को, कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एंड ऑल जो भी है इसमें स्टोरी में, बस यही सब शो होता है। इसके बाद आदिति राव हैदरी का भी दिखाया है कि वो भी इसी संकुचित विचार से हैं कि कैसे जब उन्हें पता चलता है
कि जो कोंकणा सेन है वो एक नीची जात की लड़की है, तो वो कैसे रिएक्ट करती है वो है इस कहानी में, जो आपको देखना पड़ेगा नेटफ्लिक्स पर। फिर आती है आपकी चौथी पार्ट, वो है अनकही। अनकही में है शेफाली शाह और मानव कौल, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, बट ये मेन लीड हैं। इसमें ये है कि जो शेफाली शाह है उनके हस्बैंड और उनके साथ थोड़ी अनबन रहती है, क्योंकि उनकी बेटी सिर्फ साइन लैंग्वेज समझती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती। इस वजह से वो अपने पति को बार बार बोलती हैं कि तुम अपनी बेटी से बात किया करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो उसके साथ। बट उसके हस्बैंड का कहना है कि क्योंकि मैं अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। और इसी बीच वो मानव कौल से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, क्या होता है अंत में, इसके लिए भी आपको नेटफ्लिक्स पर ही आपको जाकर देखना पड़ेगा कि क्या अंत था, क्या स्टोरी थी। ओवरऑल अगर मैं इस स्टोरी की बात करूं, अजीब दास्तान की बात करूं, तो ये मूवी में कुछ भी नया नहीं है। अगर आपने पहले इस टाइप की मूवीज़ देखी हुई हैं जिसमें जो समलैंगिकता कहते हैं, जिसे हम होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, ऊंची जात नीची जात के बारे में, द्वेष भावना के बारे में, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बारे में, आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, और ये बस वही है। बस इसमें कुछ एक्टर्स बदल दिए हैं, और इस वक्त एक्टर्स बहुत अच्छे लिए गए हैं, जिसका कास्ट है वो बहुत अच्छा है, बट बाकी कोई भी आपको सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है इसमें देखने वाली। बट अगर आप चाहते हैं इनमें से जो भी मैंने आपको नाम बताए एक्टर्स के, उनमें से आप किसी के भी फैन हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। वैसे इन लोगों ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, और ये कुछ 2.5 घंटा 2 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट की पिक्चर है, तो आप इसको जाके देखें, मज़ा लें। और अगर आप नहीं भी देख पाते हैं तो प्लीज़ मत सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कम आपने देखा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मिस करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कुछ देखना तो आप देख सकते हैं, इस वक्त स्ट्रीम हो रही है, बिंज वॉचिंग करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। अदरवाइज इस रिव्यू के साथ मेरे कुछ गाने आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान और मेरे कुछ नए नए गाने जो मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। इसके बाद जो गाने आने वाले ना, उसके बाद मिलेंगे मेरे नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एटे प्लीज इजाती मत करो प्लीज। शट अप शट अप।
जा तू घड़ी भर थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते आजमा ले मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे वास्ते मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में हाँ कुत्ती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया लुट गए हम तो पहली किताबों में सब चाहता हूँ मैं सभी तेरे दोहराना कितना जरूरी है अब मेरी खातिर तू मुश्किल है लफ्जों में कह पाना अब तो ये आलम है तू जान मांगे तो मैं शौक से दे दूँ तेरे लिए मैं दुआ मैं दमंग दी
परेशान हो गए पीर वे जो बुन्ना तू नाराज चन्ना मेरे आए सी हथा उत्ते दीवे लिए बार हो मैंने दूजी वारी प्यार होया सोने दूजी वार भी होया है तेरे नाल मैंने दूजी वारी प्यार होया सोने दूजी वार भी होया है तेरे नाल आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020 जी हाँ मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020 जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ एक मंजिल रोजगार की ओर इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.radioudaan.com हैप्पी लिसनिंग मेरा टावल कहाँ पर पड़ा हुआ है महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं यार तू भारतीय राजनीति पढ़ता रहता है कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है हमको नहीं मजा आता ब्रेल से अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ चिट ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा लाइट चली गई है उफ अब मैं कैसे पढ़ूं काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी तो इस संडे का मेरा आता है नेक्स्ट रिव्यू जो आखिरी है वैसे तो ये रिव्यू है सुमेर सिंह केस लाइव्स गर्लफ्रेंड का ये एक वेब सीरीज है और इसमें द वन एंड ओनली वेरी फेमस रणविजय सिंघा हैं जो एएसपी बने हैं सुमेर सिंह और इसमें जो उनकी गर्लफ्रेंड हैं वो हैं करिश्मा शर्मा और इसमें जो और भी एक्टर्स हैं वो हैं अयाज अहमद और सिद्धार्थ भारद्वाज और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आप कुछ नए देखने को मिलेंगे बट ओवरऑल मुझे तो लगा कि मैं रोडीज या एमटीवी का कोई रियलिटी शो देख रही हूँ क्योंकि इसमें सारे वही एक्टर एक्ट्रेसेस थे जो हम स्प्रिस्वला रोडीज के किसी सीजन में देख चुके हैं और क्या ही बताएं इस वेब सीरीज के बारे में वैसे तो ये एक क्राइम बेस्ड थ्रिल वेब सीरीज है जिसमें 8 एपिसोड हैं बट हर एपिसोड 30 मिनट 25 मिनट 23 मिनट 20 मिनट का है ज़्यादा बड़े नहीं हैं बस इसमें यही एक खासियत है बाकी मैं क्या ही बोलूँ इस सीरीज़ के बारे में रणविजय जी आप क्यों करते हैं एक्टिंग आप बहुत अच्छे लगते हैं एमटीवी पर होस्ट करते हुए रोडीज पर आते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में आप यूथ के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग हैं आप बहुत प्यारे लगते हैं एमटीवी पर प्लीज़ कृपया करके एक्टिंग ना करें क्योंकि ये बिल्कुल भी सूट नहीं होता एक तो रणविजय सिंह के साथ जैसे कास्ट किया है करिश्मा शर्मा को वो मतलब पापा बच्चे लग रहे थे एक दूसरे के साथ सॉरी टू से बट दिस इज़ द रियलिटी ऐसा ही लग रहा था कि वो बच्ची है और एक्टिंग तो पता नहीं दूर दूर तक कहीं नहीं थी और स्टोरी माशाल्लाह स्टोरी तो आप पूछे ही मत बिना सिर पैर की थी मतलब
आप शायद दूसरे तीसरे एपिसोड में ही गेस कर सकते हैं कि क्लाइमेक्स क्या होगा। और क्लाइमेक्स छोड़िए, इतना बोरिंग था कि नेक्स्ट एपिसोड देखने का भी मन नहीं करता। जैसे फर्स्ट एपिसोड के बाद आप सेकंड एपिसोड देखने का एक्साइटमेंट होता है, वो भी गायब है इस वेब सीरीज से। तो मेरा तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको देखें, क्योंकि ये बिल्कुल भी थ्रिल्ड और कोई भी क्राइम शो टाइप नहीं लगता। एक्टिंग भी बिल्कुल एवरेज है, बट राजेंद्र विजय सिंह पर भी उनका कैरेक्टर सूट नहीं होता। ज़बरदस्ती इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, बस उनका जो बाइक का, उनका जो बाइक लेकर उनको घूमने की शायद आदत है रोडीज से, बस वो ही इसमें दिखाई है। पता नहीं कहाँ से वो ऐसी लड़की से मिल लेते हैं, फिर उसके बाद उनको प्यार हो जाता है, फिर पता चलता है कि वो तो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल भी ऐसी, मतलब बिना सिर पैर की स्टोरी है पूरी की पूरी। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको ना देखें। इसके अलावा बड़ी सारी वेब सीरीज हैं जो क्राइम बेस्ड हैं। इससे पहले मैंने आपको अपना स्टार्टिंग रिव्यू में ही दिया है कि अगर आपको थ्रिल्ड क्राइम बेस्ड कोई शो देखना है तो आप वो देखें। इसको प्लीज बख्श दें, इसको बिल्कुल ना देखें। और ये वैसे अगर आपको बहुत ही देखने की इच्छा है तो ये वूट सेलेक्ट पर इस वक्त स्ट्रीम हो रहा है, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसे ना देखें। एनीवे, अभी मेरे शो का आखिरी रिव्यू खत्म हो चुका है और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट संडे यहीं 7 बजे इसी रेडियो उड़ान पर। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। उसी दिन ही छोड़ देंगे।
बातों का तू सनम सितारा है, कितना नाज करती है तू सनम सिखाया तेरे लिए इश्क सारा का सारा। ओ सनम है तेरा करम, हुआ तुझसे इश्क दोबारा है। ओ सनम मेरे हमदम, तू कितना प्यारा है। करता चांद सिफारिश, ताज मेरा तू ताज महल है, मेरे लबों पे है तू वो गजल है। मेरी काली काली सी रातों का तू सनम सितारा है, कितना नाज करते हैं तू सनम हमारा है। Have missed out any favorite show of your any favorite RJs? No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udaan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udaan, a flight of life. Happy listening. Radio Udaan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।